हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम SLM की स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, विच इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, तो पहले हम ये इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, पहले हम वो देख लेंगे। सो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जनरली एग्ज़ाम्स में, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन, importance of teachers accountability towards profession student and society। तो पहले हम लिखेंगे stakeholders होते क्या है। stakeholders वो होते हैं an independent party with an interest or concern in something, especially a business। ये एक independent party होती है जो कि किसी personal interest के लिए, एक special interest के लिए उस party को join up करती है या खुद की party बनाती है, जिसमें particular एक proper इंटरेस्ट के लोग ही होते हैं या किसी ना किसी चीज़ को लेके कंसर्न रखते हैं। यह स्पेशली बिजनेस में होता है। स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो है फैमिली, पेरेंट्स एज पार्टनर्स इन एजुकेशन एंड कमेंट्री इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी लिंक्ड स्कूल्स एंड फैसिलिटीज एक्सटेंडेड इन एजुकेशन बाय द कम्युनिटी। तो स्टेक होल्डर्स हमारे लिए हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स है, वो हमारा पार्टनर की तरह रहते हैं। एजुकेशन और कमेंट्री में फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है हमारे स्कूल्स का, हमारे कम्युनिटीज़ का, और जो भी हमें फैसिलिटीज़ दी जाती है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमारी, मतलब हम ताकि अच्छे से पढ़ सकें। फाइंड अकाउंटेबिलिटी एरियाज़ आर आइडेंटिफाइड फॉर असेसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स। कहाँ कहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एरियाज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं टीचर्स के लिए, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं। सो देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी टू द स्टूडेंट्स, अकाउंटेबिलिटी टू द पेरेंट्स, अकाउंटेबिलिटी टू द सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी टू द प्रोफेशन एंड अकाउंटेबिलिटी टू द मैनेजमेंट। तो इसमें यह आता है कि ये फाइव अकाउंटेबिलिटी के एरियाज हैं जहाँ पे कि टीचर्स अकाउंटेबल होते हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं, पेरेंट्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं, टीचर्स सोसाइटी के लिए होते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए होते हैं, अपने मैनेजमेंट के लिए सभी टीचर्स अकाउंटेबल होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं अकाउंटेबिलिटी टू द स्टूडेंट्स क्या है टीचर्स की। रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स को स्टूडेंट्स के राइट्स को लेके जब भी वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। रिकॉग्नाइज द डिफरेंट इनएप्टीट्यूड एंड स्ट्राइव टू मीट देयर इंडिविजुअल नीड्स। रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट एप्टीट्यूड है, उनका डिफरेंट एटीट्यूड है, और वो उनकी क्या इंडिविजुअल नीड्स है, वो सब हमें रिकॉग्नाइज करनी होती है टीचर्स को, एंड देखना होता है कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करना है। एनकरेज स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटीज़। एनकरेज करना है स्टूडेंट को ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सके और अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा बना सके, उसमें डेवलपमेंट हो सके, डेवलप कर ले अपनी पर्सनैलिटी को, अच्छी बनाए। मेक्स हिमसेल्फ हर सेल्फ अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। टीचर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अवेलेबल रहे स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंटेबल रहे उनके लिए, आंसरेबल रहे, जब स्टूडेंट्स को नीड है तब टीचर उनके पास अवेलेबल हो। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलरली टू द पेरेंट्स, पर्टिकुलरली फिजिकल, इमोशन एंड अटेनमेंट्स एंड शॉर्टफॉल्स। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स की रेगुलरली बेस पे उनके पेरेंट्स को, पर्टिकुलरली उनका फिजिकल बिहेवियर क्या रहा है, इमोशनल बिहेवियर अभी फ़िलहाल उनका क्या चल रहा है, या उन्हें अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में टीचर्स को, पेरेंट्स को बता देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी टू द पेरेंट्स, अकाउंटेबल कैसे हैं टीचर्स पेरेंट्स के लिए। मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ टीचर्स को एक कोऑर्डिनेट वाले रिलेशनशिप रखनी चाहिए कि हाँ वो कोऑर्डिनेट करेंगे जब भी पेरेंट्स को उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनके बच्चों के लिए। रिपोर्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू द स्टूडेंट पेरेंट्स। स्टूडेंट्स की रिपोर्ट, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है क्लास में, वो पेरेंट्स को बताएंगे टीचर्स। मोटिवेटिंग रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन टू द स्कूल, देयर रिटेंशन एंड इफेक्टिवली अरेस्टिंग ड्रॉप आउट्स। और वो अच्छे से देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, मॉनिटरिंग है ये, सॉरी मैंने मोटिवेटिंग बोल दिया, कि बच्चों की रेगुलर अटेंडेंस कितनी रही है स्कूल के अंदर, और वो उन्होंने कितना अच्छे से नॉलेज को लिया है, उन्हें कितना ध्यान दिया है क्लास के अंदर, और कितना ज़्यादा ड्रॉप आउट हुआ है एक ईयर में या एक मंथ में बच्चों का स्कूल से। तो ये सब पेरेंट्स को बताया जाता है। क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन एजुकेशन बाय इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं सो डैट वो एजुकेशन अच्छे से ले, अच्छे से पढ़ने आए। इम्प्रूव करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को ताकि बच्चों को स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा लगे, वो आना पसंद करें, बैठना पसंद करें क्लास के अंदर।
मोबाइलाइजेशन ऑफ कॉर्पस फंड फॉर द स्कूल्स, कलेक्ट करें स्कूल्स के लिए फंड्स को सो डैट स्कूल की इम्प्रूवमेंट हो सके, टीचर्स पेरेंट्स से भी कलेक्ट कर सकती हैं फंड्स। अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स टूवर्ड्स सोसाइटी, टीचर्स की क्या अकाउंटेबल है सोसाइटी के टूवर्ड्स, वो कैसे अकाउंटेबल है। वर्क टू इम्प्रूव एजुकेशन, टीचर्स वर्क करते हैं एक साथ मिल गए ताकि वो जो ऐसे पढ़ा रहे हैं अपने जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन मेथड्स को और अच्छे से इम्प्रूव कर सके। वर्क फॉर इक्विटी एंड इक्वालिटी, वो इक्वालिटी के साथ काम करें और सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करें। प्रोवाइड एक्स्ट्रा केयर टू द नीडी चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स कमिंग फ्रॉम पुअर एंड फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, जो बच्चे पुअर मतलब लो क्लास या पुअर होते हैं थोड़े, या फिर जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं जो मतलब फर्स्ट जनरेशन से मतलब जिन्हें हम अभी ABCD सिखा रहे हैं हाथ पकड़ के उन्हें एक चीज़ दिखानी पड़ती, तो वो बहुत स्पेशल नीडेड होते हैं तो उनकी बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है सो डैट वो जिस माहौल में अभी हैं उस माहौल के अकॉर्डिंग अच्छे से घुल मिल सके। होल्ड मीटिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की मीटिंग होल्ड अप करेंगे टीचर्स सो डैट सोसाइटी में अलग अलग पेरेंट्स से मीटअप करके उनको नीड्स का पता चले कि क्या उन्हें कैसे वर्क करना चाहिए। मॉनिटर द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल के हेल्थ प्रोग्राम को मॉनिटर करना चाहिए। कोऑर्डिनेट विद द विलेज पंचायत, जो विलेजेस होते हैं उसमें छोटे स्कूल्स होते हैं तो विलेज पंचायत के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज एंड अवेयरनेस एंड प्रोग्राम्स, पार्टिसिपेट करें कम्युनिटी सर्विसेज में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसमें टीचर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द टीचर शुड बी विलिंग टू अंडरस्टैंड द लोकल कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी। जो मैंने अभी पॉइंट बोला है इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि टीचर बहुत विलिंग होना चाहिए, बहुत उत्सुक रहना चाहिए कि वो एक लोकल कम्युनिटी को समझ सके, छोटे छोटी कम्युनिटीज़ को, छोटे लेवल की कम्युनिटीज़ को, और पार्टिसिपेट करे अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो भी रिलेटेड है स्कूल के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो भी हो जो भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोफेशन, टीचर्स कैसे अकाउंटेबल है अपने अपने खुद के प्रोफेशन को लेके। बी प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर, खुद में प्राउड फील करो, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं, अगर आप टीचर हो तो बहुत गर्व महसूस करो कि आप एक टीचर हो। स्ट्राइव टू इम्प्रूव द अटेनमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक इच्छा रखो, ट्राई करो कि जो भी बच्चों के गोल्स हैं या जो आप बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो पाए। बी रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए एक आइडल बन जाओ, खुद एक रोल मॉडल बनो, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखो कि सभी स्टूडेंट्स आपके जैसा बनना चाहें। अपडेट स्कूल रजिस्टर्स, प्लान फॉर न्यू एडमिशन्स, ड्रॉप आउट्स, स्कूल रजिस्टर्स को अपडेट में रखना चाहिए, जब भी नए एडमिशन्स हो रहे हैं तो उस वो सब एडअप करना चाहिए, और ड्रॉप आउट्स कितने हुए, कितने बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए वो सब लिखना होता है, सब कुछ अपडेट करना चाहिए रजिस्टर्स में। कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स टू द पेरेंट्स, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करो और इन्फॉर्म करो पेरेंट्स को कि उनके बच्चों ने कैसी प्रोग्रेस दिखाई है। बी अ मेम्बर ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल मीटिंग सेमिनार्स, मेंबर बन जाओ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग, एंड पार्टिसिपेट करो प्रोफेशनल मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में। पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, पार्टिसिपेट करो प्रोफेशनल ग्रोथ के प्रोग्राम्स में। पार्टिसिपेट एफिशिएंसी इन ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बी थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ टीचिंग एंड प्रोफेशंस, थोरोली रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ो जितने भी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, एंड एफिशिएंटली सभी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। गाइड द स्टूडेंट्स इन मैटर ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड वोकेशन, बच्चों को गाइड करें कि उनका जो गोल है उस अकॉर्डिंग उन्हें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन से हेल्पफुल करेंगे कि वो उस गोल को अचीव कर पाए, या उन्हें आगे कौन से कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए अगर उन्हें ये चीज़ बननी है तो। इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डायग्नोज देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, बच्चों की परफॉर्मेंस को अच्छे से देखे टाइम टू टाइम कि उन्होंने कितना इम्प्रूव किया या कहीं उनका लेवल गिर तो नहीं गया जितना हाई लेवल था पहले उनका, और उनकी वीकनेस को डायग्नोज कर सके इवेल्यूएशन से कि उनकी वीकनेस क्या क्या और उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या उनकी पर्सनैलिटी को लेके। तो ये सब टीचर्स अकाउंटेबल है अपने प्रोफेशन को लेके इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है डिस्कस अबाउट हाउ प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी आर डायरेक्टली और क्लोजली रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। टीचिंग बीइंग अ प्रोफेशन अज्यूम्स दैट एवरी टीचर नीड्स टू बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स हिज जॉब, टीचिंग हमेशा ये कहलाती है कि जो भी अपने
टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि ना हमें खुद को, एक हर एक टीचर को एज्यूम करना चाहिए कि वो खुद के लिए अकाउंटेबल है, अपनी जॉब के लिए वो खुद ही अकाउंटेबल है। ये ऐसे फिर क्लोजली रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहले हम अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनल एथिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, ये मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊँगी डेफिनेशंस। पहले हम देख लेते हैं प्रोफेशनल एथिक्स इन एजुकेशन क्या क्या होते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, टू अवेयर द टीचर टू देयर ड्यूटीज़ एंड अबाइडिंग ट्रूथ हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी वेन दे टेंड टूवर्ड्स कम्फर्ट सेल्फिशनेस बिजनेस एंड मनी। सभी टीचर्स अवेयर रहे अपनी ड्यूटीज़ को लेके और वो ट्रुथ ही बोले हमेशा, ट्रुथफुलनेस रहे उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी है होनी चाहिए कि वो हमेशा ट्रुथ बोलेंगे, हमेशा सही राह पे चलेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, वो ऑनेस्ट रहेंगे जब भी वो, और वो हमेशा अपने कम्फर्ट्स की जोन में होते हुए भी, ये नहीं है कि कम्फर्ट जोन में आने के लिए वो झूठ बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा, हमेशा हार्ड वर्किंग करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, ट्रुथफुल रहेंगे, सेल्फिशनेस उनमें नहीं होगी, बिजनेस और मनी से उन्हें ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, ये उनके प्रोफेशनल एथिक्स हैं। टू एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स बाय बिहेविंग इन एथिकल मैनर्स टू वन एंड ऑल। उन्हें एक्ट करना है एज अ रोल मॉडल स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें एक अच्छे से बिहेव करना है अपनी एथिकल मैनर्स में, जो वो चाहते हैं कि बच्चे भी वो वाले मैनर्स को फॉलोअप करें। टू क्रिएट सस्टेन एंड मेंटेन अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल ऑफ सोसाइटी फॉर एंश्योरिंग हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफ सोसाइटी। क्रिएट करना एक सस्टेनेबल और प्रॉपर इन्वायरमेंट और एक प्रॉपर रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना है स्कूल और सोसाइटी के बीच में, ताकि हारमनी फैले स्कूल में भी, सोसाइटी में भी, कम्युनिटी में भी, और स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो अच्छे से। टू एनेबल एवरी टीचर फॉर बिकमिंग अ रियल वन इन सेंस ऑफ द टर्म बाय मोल्डिंग हिज पर्सनैलिटी। हर एक टीचर अपनी पर्सनैलिटी को लेके बिल्कुल रियल रहे, अपने वो आप अपने आप को वो इतना डेवलप कर ले, अपने आप को वो इतना चेंज कर ले कि वो सिर्फ रियल ही रहे सभी के आगे, एज अ रोल मॉडल भी बन के रहे, एंड हर एक टीचर एक रियल पर्सन के फॉर्म में शो अप हो, ऐसा नहीं है कि उसके डबल फेसेस हैं। जो वो बच्चों को सिखाए तो वो खुद भी ऐसा ही रहे, जो वो बच्चों से एक्सपेक्ट करता है उसकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए टीचर्स की। ये प्रोफेशनल एथिक्स आते हैं कुछ एजुकेशन से रिलेटेड। The following are the expected teacher behavior in form of accountability according towards student, towards society and towards profession। ये मैंने ऊपर बता ही दिया कि क्या क्या टीचर के बिहेवियर होने चाहिए, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जब वो अकाउंटेबल है स्टूडेंट्स के लिए। देन हम कॉन्क्लूजन में डालेंगे, अ प्रोफेशनली अकाउंटेबल टीचर मस्ट बी एक्सीलेंट नॉट ओनली इन सब्जेक्ट टू बी टॉट बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द लर्निंग रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक प्रोफेशनल अकाउंटेबल टीचर सिर्फ एक्सीलेंट ही नहीं होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेके, बल्कि वो उसमें भी एक्सीलेंट होना चाहिए कि वो बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है और वो बच्चे कैसे समझ रहे हैं, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसे, या फिर बच्चों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है लर्निंग की, ये एक टीचर को पता होना चाहिए। ही शुड बी केयरिंग सिंपैथेटिक टूवर्ड्स देम फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ नेशन। एक टीचर को बहुत केयरिंग होना चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए, सो डैट बच्चों का या नेशन का हारमोनियस डेवलपमेंट अच्छे से हो। हैंस इट इज़ एसेंशियल डैट अ टीचर मस्ट बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। हैंस क्वालिटी एजुकेशन इज़ पॉसिबल वैन अ टीचर हैज़ द एथिक्स एंड अकाउंटेबल टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन। तो ये एसेंशियल है कि एक टीचर अकाउंटेबल हो स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी के लिए, और इसीलिए ही फिर क्वालिटी एजुकेशन भी पॉसिबल है जब एक टीचर के पास प्रोफेशनल एथिक्स रहेंगे और वो अकाउंटेबल होगा अपने प्रोफेशन के लिए एंड अपने स्टूडेंट्स के लिए। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी इज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी वो एक क्वालिटी है या एक स्टेट है जहाँ पे कि हम अकाउंटेबल होते हैं दूसरे लोगों के लिए, उनके लिए आंसरेबल होते हैं। An obligation or willingness to accept responsibilities for one's action। एक obligation होती है या willingness होती है कि हम अपनी responsibilities अपने actions के लिए accept करें। Accountability doesn't mean punishment। Accountability का मतलब punishment नहीं होता। Accountability is a willingness to accept responsibility for our own actions। ये एक willingness होती है कि हम अपने खुद के actions के लिए विलिंगनेस रखें कि हाँ हम एक बहुत इच्छुक रहें कि अगर हमने कुछ काम किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लेंगे। अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल क्या हुआ? अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल है
When an employee admits an error she made on a project, जब एक एम्प्लॉय एडमिट कर लेगी अगर उसने कोई भी एरर किया है अपने प्रोजेक्ट में, तो इट मीन्स उसने एडमिट कर लिया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने काम के लिए कि हाँ उसने गलती कर दिया, तो वो अकाउंटेबल हुई. When an employee is given the task of making sure a project goes right and knows she will be blamed if it doesn't, she can also be said to have accountable for the project. अगर किसी एम्प्लॉय को एक टास्क दिया जाता है और वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन अगर उस लड़की को ये भी पता है जिस एम्प्लॉय को टास्क दिया गया है कि अगर वो कुछ गलती करती है तो उसी को ब्लेम दिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो लड़की उस प्रोजेक्ट के लिए अकाउंटेबल है. तो ये हो गया एग्जाम्पल अकाउंटेबिलिटी का. नेक्स्ट है प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? आइडल बेस्ड एथिक करेक्टर. ये कोई भी आइडल्स की जो जो एथिक्स हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, हम उसको डेवलप कर सकते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल एथिक्स हो गए. कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड एथिक्स आउटकम्स. जब हम कोई भी वैल्यूज़ को लेके ये देखते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे फ्यूचर में, उसका आउटकम क्या निकलेगा, तो वो प्रोफेशनल एथिक्स हैं. प्रिंसिपल बेस्ड एथिक रूल्स, टॉपिक्स, थ्योरीज एंड स्टैंडर्ड्स. जब भी एक स्कूल का प्रिंसिपल कुछ रूल्स को सेट कर दे, कुछ रेगुलेशंस को, तो वो एथिक्स बन जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बन जाते हैं कि हाँ ये करना ही है. वट इज़ प्रोफेशन? प्रोफेशन क्या है? अ प्रोफेशन एज अ वोकेशन रिक्वायरिंग एडवांस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. प्रोफेशन का मतलब है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उसकी एडवांस्ड, मतलब उसके बारे में अच्छे से और पढ़ते हैं, एडवांसली पढ़ते हैं, उसके बारे में एडवांस्ड एजुकेशन लेते हैं और उसकी ट्रेनिंग को लेते हैं. अ प्रोफेशन इज़ अ जॉब डैट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड इज़ रेगुलेटेड बाई सर्टेन स्टैंडर्ड्स. प्रोफेशन एक ऐसी जॉब है जो कि जिसके लिए हमें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी होती है और फिर कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें रेगुलरली बेस पे वर्क करना होता है उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो प्रोफेशन होता है. प्रोफेशनल एथिक्स के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हुआ है? कॉम्पोनेंट्स हैं ओबीडियंस ऑफ द लॉ, हमें ओबीडियंट होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग. रिस्पेक्टफुलनेस, रिस्पेक्ट करनी है दूसरों की. ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग चलना है. इंटीग्रिटी, सबके साथ घुल मिल के रहना है. कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट रहना है. अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होना है. ऑनेस्टी, ट्रुथफुल रहना है. ऑनेस्ट रहना है. ट्रांसपेरेंसी, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर रहना है, डबल फेस नहीं रखना, ट्रांसपेरेंट होके रहना है, अच्छे से रहना है. सो यहाँ पे ये हमारी यूनिट फिनिश होती है.